तो अंदर पड़ा था सारा, पैसे भी थे उसमें। जैसे ही देखा कुछ नहीं मिला मुझे, कुछ नहीं मिला। कितना गोल्ड था? 6 तोले तो था। नगदी भी थी? हाँ जी, रात को कमेटी लाए थे। कितनी नगदी थी? 40,000 के करीब थी नगदी। आप कहाँ गए हुए थे? मैं मार्केट गई थी, दीदी के पास गई थी। मैंने कहा दीदी से मिल के आती हूँ। तो घर पर कोई नहीं था? कोई नहीं था। कितने साल से आप यहाँ रह रही हैं? 35-36 साल हो गए हमें यहाँ रहते रहते, आज तक नहीं हुआ ऐसे। नमस्कार। चोरों ने भगवान का घर भी नहीं छोड़ा। जी हाँ, चोरों ने भगवान का घर भी नहीं छोड़ा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल जिले की शांति नगर की। इस वक्त आप ये तस्वीरें देख सकती हैं। ये देखिए किस प्रकार से घर के अंदर मंदिर बनाया हुआ है और मंदिर के ठीक साथ ये अलमारी है। आप ये साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से अलमारी के अंदर रखा हुआ सोना, अलमारी के अंदर रखी हुई नकदी चोर उड़ाकर ले जाते हैं। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। हरियाणा के करनाल जिले की अगर हम बात करें तो क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। करीब 5 से 6 तोले, जी हाँ 5 से 6 तोले सोना बताया जा रहा है और करीब 40,000 रुपये नकदी बताई जा रही है। ये देखिए किस प्रकार से जो सामान है, जो घर का सामान है, वो कहीं ना कहीं बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। जितने भी व्यूवर्स हमारी इस खबर को देख रही हैं, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। लाइन पार एरिया का ये वाक्या है, लाइन पार शांति नगर का ये वाक्या है, जहाँ पर आप देख सकती हैं साफ तस्वीरों में किस प्रकार से एक घर के अंदर, ये देखिए पूजा का स्थल है, पूजा का स्थान है, जहाँ पूजा होती है, रोज पूजा होती है, और किस प्रकार से इसी पूजा के स्थान पर ये अलमारी है, अलमारी के अंदर से जो है नकदी उड़ा ली जाती है और साथ ही साथ जितना इसके अंदर सोना था, 5 से 6 तोले सोना बताया जा रहा है, वो भी उड़ा लिया जाता है। लगातार करनाल में क्राइम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। और वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं राजरानी इनका नाम है, जो कि शांति नगर में रहती हैं, और किस प्रकार से 40,000 रुपये की नकदी बताई जा रही है और करीब 5 से 6 तोले सोना बताया जा रहा है। घर से बाहर गई थी किसी काम से, लेकिन इनको भनक नहीं थी कि पीछे से ऐसी वारदात हो जाती है। ये देखिए ये इस रास्ते से, ये देखिए किस प्रकार से दरवाज़ा तोड़कर ये लोग प्रवेश करते हैं। पहले इस अलमारी को खंगाला जाता है, जब इस अलमारी से कुछ नहीं मिलता, फिर अंदर पूजा स्थल के साथ लगती जो अलमारी है उसको खंगालने की पूरी कोशिश की जाती है और वहाँ से किस प्रकार से सोना व नकदी उड़ा लिया जाता है। लगातार जो है क्राइम का ग्राफ करनाल में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राजरानी से बात की, आप कहाँ थे? आप कहाँ गए थे जब ये वारदात? मैं अपने सिस्टर के घर गई थी, मार्केट जाना था। जैसे मैं आई, लॉक लगा हुआ था, गेट का लॉक लगा था। हाँ, छोटी सी गुड़िया है मेरी पोती, वो ट्यूशन जाती है, मैं उसको आवाज़ लगा रही थी कि बाबू आ जा, मैं आ गई हूँ घर पे, बाबू आ जा, उसने सुना नहीं। मैं फिर उसको बुलाने गई, जैसे मैंने गेट खोला, वो पौधा शनि का ऊपर रखा हुआ था, वो पौधा बिल्कुल ऐसे सीधा पड़ा है। मुझे थोड़ा सा शक वहीं से शुरू हो गया। मैं कहा बंदर गिरा के जाते हैं कई बार, तोड़े हैं उन्होंने गमले। मैं रोज़ कहती हूँ बेटे को यहाँ ना रखा कर, बंदर तोड़ जाते हैं। कहते नहीं मम्मी, अब कहाँ रखे इसको, तो यहीं पर सेटिंग बैठती है। मैंने कहा चल कोई नहीं। वो गमला देख के ना मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा कि कुछ गलत हुआ है। फिर देखा किचन भी खुली हुई है, फिर देखा ये रूम भी खुला हुआ है, ये अलमारी देखी। मैंने कहा मैं भी आज तो लुट गए अच्छे से। जैसे ही मैंने आवाज़ें लगाई उसको, ट्यूशन वाली मैडम को, मैं क्या ही जरा मेरे घर की हो गए, देखी जरा पूनम, वो भी आ गई। मेरी रोने की आवाज़ सुन के मेरी दरानी आ गई, कहती इसको देख रहे हो अंदर तो देखो, गोल्ड तो अंदर पड़ा था सारा, पैसे भी थे उसमें। जैसे ही देखा कुछ नहीं मिला मुझे, कुछ नहीं मिला। कितना गोल्ड था? 6 तोले तो था। नगदी भी थी? हाँ जी, रात को कमेटी लाए थे। कितनी नगदी थी? 40,000 के करीब थी नकदी। आप कहाँ गए हुए थे? मैं मार्केट गई थी, दीदी के पास गई थी। मैंने कहा दीदी से मिल के आती हूँ। तो घर पर कोई नहीं था? कोई नहीं था। कितने साल से आप यहाँ रह रही हैं? 35-36 साल हो गए हमें यहाँ रहते रहते, आज तक नहीं हुआ ऐसे। क्या नाम है आपका? राज।
तो आप ये देख सकते हैं शांति नगर के रहने वाले राज रानी इनका नाम है और किस प्रकार से दोपहर के समय में ये वारदात होती है। हाँ जी, क्या आश्वासन लेकर गई? अभी तो यहीं बैठे हैं, वो कैमरा देख रहे हैं। अच्छा। कैमरा लगा हुआ है ना पड़ोस में? हाँ जी, वो ये साथ वाले घर में कोने वाले। अच्छा। वो जो जेंट्स है ना, वो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, 5-6 चक्कर देखे हैं, काट रहा है। अच्छा। फिर उसके बाद एक लेडीज जब अंदर आई है, वो नहीं दिखी, जाते हुए दिखी है वो। उसके हाथ में ऐसे पोलिथीन था, छोटा जैसे सामान है, पोलिथीन जराब ना लिया गया। बाहर देखो दुकान भी है, वो बैठा शिखा का घर वाला। कितने साल से आप रह रहे हैं यहाँ? 35 साल हो गया है। 35 साल हो गया। हाँ जी। तो ये पहले भी वारदात हुई है? कभी नहीं हुआ आज तक, नहीं, एक रुपए का कभी नुकसान नहीं हुआ हमारी गली में, बंद गली है। कुत्ता भी भौंके है उन्हें, दीदी मैं उन्हें बहुत देनी है ना, वो पीछे पीछे आया है भौंके हुई। कैमरे दिखे? हाँ, और मैं जब आई हूँ ना, तभी मेरे पीछे पीछे अंदर आ गया गेट। लाला भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से महिला बहुत ज्यादा परेशान है, राज रानी इनका नाम बताया जा रहा है, और किस प्रकार से इन्हीं के घर में आकर सोना उड़ा लिया जाता है, साथ ही साथ नकदी भी उड़ा ली जाती है। शांति नगर के इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। जितने भी व्यूअर्स हमारी इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि पड़ोस के घर के साथ जो है लगे किस प्रकार से सीसीटीवी फुटेज को फिलहाल खंगालने की पूरी कोशिश की जा रही है, पहचान की जा रही है कि आखिरकार ये कौन लोग हो सकते हैं, किनके द्वारा जो है ये वारदात हुई है। आप ये साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार पुलिस यहाँ पर छानबीन करती हुई नजर आ रही है। इसी बीच में राजकुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितने बजे का वाक्य है, क्या शिकायत दी आपको? ये लगभग 2:30 बजे का वाक्य है। हमारे को सूचना मिली थी कि भाई 159 नंबर मकान में चोरी हो गई है। मौका पे आ गए थे, कुछ कैश, कुछ सोना और वो लेके गए। कितना सोना है अभी बताया नहीं उन्होंने, कहा भाई सोना कुछ हार उर थे, टॉपस थे और कुछ कैश था, कैश लेके गए। नकदी बता रहे थे 24,000 बता रहे थे, कुछ और अलग थी उन्होंने। हाँ जी, तो अभी क्या कार्रवाई की जाएगी? देख रहे हैं फुटेज, देख रहे हैं जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उन्हें मिलेगी। तो मौके पर आप ये देख सकते हैं कि थाना रामनगर से पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुँच चुकी है और गहनता से जांच करती हुई नजर आ रही है। पड़ोस में लगे जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं, उनकी फुटेज को खंगालने की पूरी कोशिश की जा रही है। जितने भी व्यूअर्स हमारी इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से करनाल क्राइम सिटी बनता हुआ जरूर नज़र आ रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपडेट आपको देते रहेंगे।